नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर के सचिंडी थाना अंतर्गत दिलीपुर गांव पिछले कुछ माह पूर्व हुई पिटाई के बाद मौत से दुखी पीड़ित परिवार ने हाथ में तख्ती कर प्रशासन से न्याय की मांग करी है। मृतक सुबोध वाजपेयी की पत्नी ने बताया कि 20 सलक पर उसके पति की निर्मम पिटाई के बाद हुई मौत से वे काफी आहत हैं। वहीं मृतक के मासूम बच्चों ने पापा के हत्यारे को फांसी देने की मांग करी है। साथ ही हाथ में तख्ती लेकर बताया कि आज भी गांव के कुछ लोग उनको डराने धमकाने आते हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक के पिता ने अपनी बेबसी और लाचारी बताते हुए कहा कि जिस बुजुर्ग असहाय पिता के सामने एक जवान बेटे की निर्मम हत्या की जाए, इससे बड़ी दुखद घटना दुनिया में और क्या हो सकती है। क्षेत्र के रहने वाले सूर्यकांत वाजपेयी ने बताया कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। दिलीप नगर की घटना ने उन्हें झकझोर के रख दिया है। आला अधिकारी से लेकर प्रशासन के मुखिया से वह मांग करते हैं कि किसी उच्च अधिकारी के द्वारा मामले की संपूर्ण निष्पक्ष जाँच कराई जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। सूर्यकांत के मुताबिक इन दिनों दिलीप नगर की संपूर्ण गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरे गांव में भय का माहौल है। ब्राह्मण की इस तरह निर्मम हत्या कहीं न कहीं आला अधिकारियों स्थानीय थाना पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि किस तरह खुलेआम अपराधी आज भी गांव में घूम रहे हैं। क्या नाम है, क्या है ये पूरा मामला, कितने दिनों से थाने चक्कर लगा रहे हैं? 5 मार्च की रात में मेरे भाई को बेकसूर अनुपम पाल गांव की रहने लड़की है, जिसने कि मेरे भाई के ऊपर बलात्कार और जान से मारने का हत्या का मुकदमा दिखाया, जान से मारने का मुकदमा दिखाया 376 में। उसके बाद मुकदमा लिखने के बाद घर में बहुत से लोगों के द्वारा घर का पूरा सामान तोड़ा गया, घर में महिलाओं के साथ मारपीट हुई। उसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा पत्नी बच्चों को पिता को ले जा करके वहाँ टॉर्चर किया। और इसका मैं एविडेंस देता हूँ, इस बात से देता हूँ कि जब सुबह घटना होती है, घटना के बाद उन्होंने एक हमसे माता पिता से लिखवा लिया, प्रार्थना पत्र लिखवा लिया कि हम अपने पुत्र को लेकर थाने आए हैं। ये प्रार्थना पत्र है जिसमें उन्होंने लिखवाया है कि मैं अपने पुत्र को लेकर आया हूँ रमेश चंद्र वाजपेयी के द्वारा। जबकि एक साक्ष मैं आपको देता हूँ वहीं पर कि ये देखिए फोटो है जिसपे चक्रपुर मंडी के चौकी चार की जीप में अवध बिहारी के साथ में हमारे भाई को ले जाया गया। जिस समय मेरे भाई साथ घटना की गई उसमें पुलिस वहाँ मौजूद थी। साफ इस फोटो में देखिए कि सिपाही खड़ा है और मुच्चू घर के बाहर मरणासन्न हालत में खड़ा हुआ है। हमने सभी एविडेंस दिए लेकिन पुलिस ने ये एविडेंस नहीं लगाए ताकि पुलिस उन अभियुक्तों को बचा सके, और पुलिस ने वही खेल अपनी चार्जशीट में किया भी। पुलिस ने चार्जशीट पर उन सभी अभियुक्तों को 304 का दोषी नहीं पाया, और साथ में सिर्फ 4 लोग जिनको दबाव बस उनको जेल भेजना पड़ा क्योंकि वो घटना के वहाँ मौजूद उनको दिखाया गया, सिर्फ 4 को ही उन्होंने अपनी चार्जशीट दाखिल किया है। और तो और तत्कालीन थानाध्यक्ष जी ने लड़की का 376 और 307 के आरोप में सुबोध वाजपेयी मेरे भाई को बलात्कार का आरोपी सिद्ध कर दिया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट से कहीं भी बलात्कार का होना नहीं पाया गया। हमने 29 मई से लेकर के दिन प्रतिदिन भटकते रहे। सबसे पहले हम सीओ के पास गए, सीओ साहब ने कहा कि अब तो आपकी चार्जशीट जा चुकी है, हमको नहीं कर सकते हैं। एसपी आउटा साहब के पास गए 29/5 को ही, तो एसपी आउटा साहब ने कहा कि अब तो आप न्यायालय में जाके अपने दस्तावेज साक्ष प्रस्तुत करिए, तभी कुछ हो सकता है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या घटना हुई थी उस रात? उस रात बहुत सारे लोग आके घर में घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे और घर का पूरा सामान तोड़ डाला। फिर धर्मपाल ने मेरा गला दबा कर मुझे कहा, बता लड़के तेरा बाप बने तुझे भी मार डालूंगा। फिर पुलिस आई, पुलिस हम लोगों को मम्मी को जीप में बैठा कर थाने ले गई। वहाँ पर पुलिस मम्मी के सीने बैठ कर मम्मी का गला दबा कर मम्मी को मारने लगे। फिर हम लोग जब रोने लगे तो हम लोग उनको भी मारा। We'll be right back.